भाई चलो भाई चलो भाई यहाँ पर टिकट चेक करें भाई। चलो भाई चलो भाई। पर बच्चों के खिलौने ही खिलौने नजर आ रहे हैं। हाँ जी, जो चीज़ लेनी है आपने ले लो। क्या लेना है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाए कैसा जा रहा है काम आपका? काम बढ़िया जा रहा है, बहुत जबरदस्त जा रहा है। आप बैठे, आपको सिखाता हूँ मैं काम। कल को अगर जो है ना मैं बीमार हुआ या कुछ हो तो आप काम कर सके ना। आपने सीखना है? नहीं, मैंने नहीं सीखना। नहीं सीखना? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं होता भाई। और वैसे भी आप इतनी टैलेंटेड और स्किलफुल हैं, आप तो इजीली कर लेंगे भाई। आपको देख के ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना दिल कर रहा है सीखने का। सीखने का दिल कर रहा है? कुर्सी रखी है सामने, बैठियो। बैठूंगी। अभी मैं पूछने आई हूँ कि आपने कुछ खाना है, भूख लगी है? आज मैं पता नहीं क्यों घर के फ्राइज खाने दिल कर रहा है। चलें फिर, अगर फरमाइश है तो मैं बना देती हूँ अभी, क्योंकि आपने सुबह 8:30 बजे नाश्ता किया था ना, कि आपको भूख लग रही होगी। 12:30 का टाइम हो रहा है। अच्छा, 8:30 से 12:30 बज के पता ही नहीं चला भाई। काम में इतना जो है मैं मसरूफ हूँ, 8:30 से 12:30 बज गए जी, मतलब दोपहर का टाइम हो गया मुझे। और वो भी मैंने आपको भी याद दिलाया है कि आपने कुछ खाना है, वरना आप बैठे हुए अपने काम में बिजी। फ्राइज वगैरह बनाने जी, दाना डाला कल डाला था जी, वो मैं सुबह सुबह डालाई थी। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। सुबह सुबह परिंदों की आवाज आ तो रही थी, अक्सर जो ना कबूतर है। कॉल आ रही है, चलो भाई कॉल आ रही है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आलू का छिलका उतार के रिवॉश कर लिए है, तो अभी मैं काटते हैं और बनाते हैं फ्राइज। ये लें आपके फ्राइज। अरे वाह भाई, फुल गार्लिक मायो फ्राइज, थैंक यू सो मच। चलिए आप एंजॉय करें। अरे बैठे, आप भी काम सीखें और मेरे साथ फ्राइज भी एंजॉय करें। आ जाए बैठे मेरे साथ। अभी मैं लेकर आई हूँ अम्मी के लिए खाना। ये ले अम्मी आपका देसी खाना। चलो ये लो अम्मी आपकी चाय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कर रहे हैं भाई? बस अम्मी के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये डिस्कस हो रहा है कि एक पोस्ट आई थी फनी, ये लिखा हुआ है, मेहंदी जाया ना करे, धोने आपने बर्तन ही हैं, ईद मुबारक। और अम्मी पढ़ रही है बेहतर ही है, धोने आपने बेहतर ही है, बर्तन पढ़ा नहीं आ रहा, पढ़वा रहा हूँ अम्मी से। अच्छा। यहाँ से चश्मा नहीं बनाता अम्मी ने, नजर नहीं आता। अभी मैं वकार के पास चली जाती हूँ, कभी आमिर के पास टाइम पास कर देते हैं। चले जी, हमने फ्राइज खाने थे, लेकिन आप चाहे ना उस वक्त ब्लॉग बनाना भूल गई थी, मुझे फैमिली को अपडेट नहीं किया था। मैं अभी अपडेट करता चलूँ कि अभी जो है 9 to 5 गाइस, मैं जो है ऑफिस से काम कर रहा हूँ, 5 जो है ब्लॉग बना रही है। और वैसे ही कि आप जो है कुछ चीजें मिस आउट कर रही है, वो मैं जो है अपडेट कर रहा हूँ। तो फ्राइज काफी मजेदार बनाए थे, थैंक यू सो मच। आते रहिएगा आप। आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या? वैसे नाम अभी तक नहीं रखा। नहीं रखा? तो फिर इसका नाम देना सोचते हैं। इसका नाम ये है कि जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। क्या नाम है? और इसके अलावा फ्राइज के साथ साथ मेडिसिन की भी अपडेट नहीं मिली। मेडिसिन भी खिलाई ना आपने मुझे जी? तो गाइस मेडिसिन और फ्राइज खा लिए हमने, हमने मतलब मेडिसिन मैंने खाई है, फ्राइज हमने साथ खाए थे। तो अभी मैं चाय भी बना कर लाई हूँ। क्या बात है, तो माइक बेचा से बंद हो गया। हाँ, इसके अलावा ये भी अपडेट नहीं दी होगी, अभी आप जरा माइक कनेक्ट करके जरा ब्लॉग बनाते हैं, ये भी आपने यूट्यूब फैमिली को अपडेट नहीं दी होगी। नहीं जीरा बोल गई हूँ। हाँ, ये भी अपडेट जरा गाइस आपको देते चले कि फातिमा ने अभी माइक कनेक्ट किया हुआ है इनके मोबाइल में, जिससे ब्लॉग बना रहे थे उसमें माइक का इशू था। तो अब जो ना आपकी पुरजोर फरमाइश पे, आप सबके कॉमेंट्स की वजह से उन्होंने जो अभी माइक कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और माइक कनेक्ट करके ना ये ब्लॉग बनाती हैं। और कल का ब्लेंडर बताऊं जी? बता दो। कल गाइस इन्होंने ब्लेंडर मारा, इन्होंने पूरा ब्लॉग बना लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब एडिटिंग करा था ना, तो वीडियो चल रहे थे लेकिन कहीं पर वॉइस नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा फातिमा वॉइस कहाँ गई आपकी, तो मालूम ये चला कि भाई इन्होंने माइक जो ना कनेक्ट किया था, लेकिन वो जो ना इसका जो कनेक्टर था ना सही से जो ना फिक्स नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ना इनकी आवाज़ जो है ना नहीं आ रही थी, पूरी वीडियो जो है ना ब्लैंक थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ यार, अब तो अम्मी भी नहीं, अम्मी भी ऑफिस है, इन्होंने सारा ब्लॉग शूट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की भाई आप वॉइस ओवर कर लें, तो इन्होंने पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर किया था। ऐसे ही जी, तो कभी कभार नई चीज़ों को यूज़ करते हुए ना आदत नहीं होती ना, तो कभी कभार हो जाता है जी। अब मैं बार बार जाना है देखती हूँ और उसके बाद वीडियो बनाती हूँ। बारी है किचन की, तो अभी किचन की सफाई करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, नीचे से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद नमाज का टाइम हो गया तो फिर नमाज अदा करते हैं।
तो किचन मैंने पूरा साफ़ कर लिया है और जो बर्तन थे वो भी सारे वॉश कर लिए हैं। नीचे से झाड़ू लगाना था वो भी लगा लिए हैं। तो किचन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। Few moments later. अच्छा जी, लैपटॉप कर लिया है पैक और अभी इस वक्त लगे हैं हम खाना खाने। खाना तो नहीं कहेंगे, डिनर कहेंगे, क्योंकि इस वक्त ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और डिनर में एक वाइट राइस है, चिकन का सालन है, रोटियां हैं, साथ में पानी है, टिश्यू है और अम्मी भी है। नमाज अदा करें। अम्मी आपने खा लिया? हाँ। आप आ जाएं हमारे साथ खाना चाहें नहीं, तो नहीं, मैं अभी आप लोग खा लिया आपने? तो अच्छा गाइज, आज जो है ना व्लॉग मुझे लग रहा है ऐसा है कि लिविंग इन अम्मी रूम फॉर 24 आवर्स। ऐसा है कि अम्मी के रूम से व्लॉग स्टार्ट किया और अभी तक जो ना अम्मी के रूम में बैठा हूँ, क्योंकि आज ना काम ऑफिस से करना था। अम्मी के रूम में एक तो वाईफाई के सिग्नल्स अच्छे आते हैं, दूसरा ये है कि ये टेबल और चेयर दिख रही है ये अम्मी के रूम में एडजस्ट होती है, वरना हमारे रूम में ये टेबल और चेयर नहीं आ सकती। तो दो रीजन से जिसकी वजह से ना अम्मी के रूम में बैठा और अम्मी जो ना मेरे रूम में शिफ्ट नहीं थी आज के लिए। तो ये चैलेंज भी हो सकता है आज, लिविंग इन अम्मी रूम फॉर 24 आवर्स, क्या कहती हैं? हो जाए। ऐसा चैलेंज मैंने कभी देखा नहीं है। खैर ये चैलेंज मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, क्योंकि ये चैलेंज तो नहीं कहेंगे, घर ही है ना, कोई मतलब डिफिकल्ट चैलेंज थोड़ी है, रूम में ही बैठा हुआ था। तो खैर बाकी अपने रूम में बैठ के गाइस बेड पे बैठ के काम करता ना, तो इतनी वो वाली मतलब वाइब्स नहीं होती, काम करने में मजा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा अम्मी के रूम में टेबल और चेयर लगा लेते हैं, क्योंकि चेयर के होते बार बार उठ के ना आराम से ना वर्कशॉप भी कर लेता था और फिर बैठ के ना काम भी कर रहा था। 9 से 5 यहाँ बैठे काम किया और अभी खाना खाना खाते हैं और फिर जाना हमने रेलवे स्टेशन, वहाँ से जाके टिकट्स की मालूमात करनी और किस सिलसिले में करनी वो भी आपको चल के बताते हैं। तो खैर पहले खाना इंजॉय करते हैं और मिलते हैं गाइस आप सबसे कुछ ही देर बाद। हम रेडी होकर जा रहे थे कि लाइट चली गई है और यहाँ से ना फिर भी जो मज़ेदार हवा पास हो रही है। एक यहाँ से मज़ेदार हवा पास होती है, अगर लाइट ना भी हो तो फिर भी हवा जो है चलती रहती है, और दूसरा गैलरी की तरफ से ना काफ़ी मज़ेदार हवा आ रही होती है। तो चलें भाई अभी चलते हैं। और अभी जो है ना घर पर मेहमान भी आए हैं, अरुषा बाजी और साउद भाई भी आ गए, तो अम्मी के रूम में बैठे हैं, उनसे जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हो आप? हाँ वही बोल रहा हूँ कि आप आए कि लाइट चली गई। हम लाइट से भाग कर आए थे, हालांकि लाइट से, लेकिन यहाँ पर वैसे बताऊँ लाइट नहीं जाती हमने, लेकिन आज पता नहीं कैसे चली गई लाइट, वैसे यहाँ पर नहीं जाती। हम यहाँ पर सोच रहे थे कि लाइट नहीं होगी तो हम थोड़ा घूम फिर के भी आ जाते हैं और टाइम स्पेंड अच्छा हो जाएगा। आज मैंने पूरा दिन यहाँ पर बैठ के ना घर से काम किया ऑफिस का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइट नहीं गई, लेकिन वैसे जाती ही है। आज हमें सरप्राइजिंगली मतलब यहाँ पर लाइट मिली है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। आज मेरे रूम में बैठ जाए, मेरे रूम में हवा आ रही है, खिड़की से भी आती है। इनका रूम अच्छा। आज अम्मी मेरे रूम में बैठी है, हम वैसे भी जा रहे हैं छत पे, तो भाई और मजेदार कुर्सियां वर्सियां पहुंचा देता हूं मैं ऊपर। रूम में ज्यादातर मजा भी नहीं आता, अगर रूम में बैठना तो रूम में बैठ सकते हैं, अगर छत पे जाके खुलिया में बैठना तो ऊपर कुर्सियां वगैरह पहुंचा देता हूँ। चलो अभी कुर्सियां वगैरह पहुंचा देते हैं ऊपर। ये क्या कैसे चल रहे हैं भाई, नेट वगैरह तो बंद है? ऑफलाइन है, ऑफलाइन डाउनलोड किए हुए ना अब्दुल्ला के, ऐसे ही अब्दुल्ला को चूल्हा लगा रहे हो, अब्दुल्ला को जो है ये पकड़ा देते, ऑफलाइन जो है देखते रहते हैं सिर्फ कहीं जाने के लिए, वरना मैं घर में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। चलिए आप लोग बैठे ना, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ कैंट से आ रहे हैं। साउथ भाई पूछते हैं, साउथ भाई आज ऑफिस गए थे आप? हाँ मैं गया था। रास्तों की क्या सिचुएशन है, रास्ते खुले? रास्ते सारे बंद है, सारे बंद है, सारा फैसल बंद है, एक छोटी छोटी गलियां भी सारी बंद, सारे फैसल पे हमारा पूरा ऑफिस जो पूरी बिल्डिंग जो आज क्लोज थी, सारे फैसल पे सब बंद था। मैं वही सुबह जब मैं गया तो वहां पर रास्ते मतलब ऐसे थे कि सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक आ रहा है, आने वाला भी जाने वाला भी, लोग फंस गए थे बहुत ही बुरी, और अभी आते वक्त और भी बुरी ज्यादा सिचुएशन थी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था शारा फैसल से जब कैंट की तरफ आते हैं, तो कैंट पूरा जाम हो गया। मुझे कैंट ही जाने रेलवे स्टेशन, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो उस वक्त मैं 8 बजे ऑफिस से निकला और घर की ड्राइव 10 मिनट की ड्राइव है, मैं 9 बजे पहुंचा, पूरा 1 घंटा लगा था उस वक्त मुझे। अब हो सकता है अभी जो टाइम हो रहा है शायद, क्योंकि मैं 10 बजे पहुंचा हूँ, मैं 9 बजे पहुंचा हूँ, तो मुझे 1 घंटा लगा तकरीबन घर पहुंचने में। चलो देख लेते हैं, जाके देख लेते हैं। हाँ अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है क्लियर होगा, हो गया होगा, क्लियर हो गया। चलो भाई मिलते हैं, फिर मैं आता हूँ, बैठे हो ना यहाँ पर? हाँ, मैं होके आता हूँ। सही है, अब्दुल्ला कहाँ गया? अब्दुल्ला बाहर जाने के लिए पार्ट हो रहा है। अरे भाई इससे जाना चुपके जाना पड़ेगा, वरना नहीं नहीं हमें इसको संभालना, हम जरा निकलते हैं खामोशी से। अब्दुल्ला आ जाए यहाँ पर, आ जाए अभी ये लोग छत पे जाएंगे ना, मेरा दिल करेंगे साथ छत पे जाके बैठ जाऊंगी, अभी ऊपर ना मजेदार हवा भी चली होगी, इनकी कंपनी भी एंजॉय करेंगे। दो चीजें सही पड़ी है ना, वही 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 यहीं से हवा फील हो रही है, आराम से आराम से आराम चले जी, यहीं से हवा फील हो रही है ना। दरवाजा खोले, अंदर जाते हैं, दिल पीछे यहाँ पे
हालांकि हमारी छत भी ऊंची है लेकिन तुम लोगों की छत से जबरदस्त हवा होगी। इसके आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं है ना? थोड़ी जगह ऊपर निकल गई, लंबी होगी हमारी बिल्डिंग। चलो भाई कुर्सियाँ लग गई हैं, अभी यहाँ पर जना आप लोग बैठे, हम आते हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी जाए आप, होकर हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम पहुँचे कराची कैंट रेलवे स्टेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हुए रास्ते क्लियर थे, क्योंकि 11:30 बजे हैं तो रास्ते क्लियर थे। लेकिन यहाँ पर आज रश नहीं है, क्या सीन है? ट्रेनें वगैरह तो आज बंद नहीं की हुई थी सड़कों के साथ साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट शायद 12:30-11:30 इस तरह से कुछ होगा ट्रेन का, थोड़ी देर तक शायद रश हो। एक चीज मैंने यहीं पर अभी नोट की है। क्या चीज़ है वो? बाइक से उतरी हाँ। यहाँ पर जब दिल करे ट्रेन को देखने आ जाओ हाँ। पास है हाँ। एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट वो दूर है, मतलब कैंट स्टेशन नजदीक है, एयरपोर्ट दूर है, फिर भी है तो सही ना। उससे जहाज उतर जाते ना, जहाज तो हमारे बिल्डिंग से हर घंटे बाद गुजरता है, ऐसे लगता है कि मैं एयरपोर्ट पर ही आए हुए ना, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, नीचे होते हैं, मैंने देखे हैं, और समंदर भी करीब है। हाँ चलो, ये एक चीज तो नहीं हो गई, दो तीन चीजें हो गई। हाँ वैसे जहाँ पर हमारा घर है ना जी। वो ना काफी चीजों के करीब है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया 10 मिनट का रास्ता है, समंदर 5 मिनट का रास्ता है, और इसके अलावा एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है, वो जो ना आधा घंटा का रास्ता है, मतलब सीधा रोड जो मेरा शरफ फैसला रोड है ना, वो स्ट्रेट जाओ ना एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो खैर अभी चलते हैं गाइस, यहाँ पर हम आए थे टिकट्स की मालूमात करने, क्योंकि मैं जो ना 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन टिकट्स बुक करना, लेकिन ऑनलाइन ना पता नहीं क्या सीन है, मुझसे ऑनलाइन होती नहीं है। जो टिकट्स मैं बुक करना चाहता हूँ ना वो प्रोसीड करता हूँ, फिर एंड पे ना वो एरर आ जाता है। अब पता नहीं मेरी एप्लीकेशन का ग्लिच है, क्या सीन है, या मेरे अकाउंट में कोई मसला है, कुछ अकाउंट वगैरह ब्लॉकेज का मसला है। तो यहाँ पर हम रिजर्वेशन डिपार्टमेंट आए हैं और यहाँ से टिकट्स की मालूमात करने, फिजिकल टिकट्स मिल जाएँ तो हम करवा लेंगे। बाकी आपने ट्रेन देखी आज? बड़े दिनों से मैंने भी नहीं देखी ट्रेन। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब भी दिल करे आप ट्रेन भी देखने आ सकते हैं। हाँ अभी दिल करा आपका ट्रेन देखने का? अभी यहाँ पर आ गए ट्रेन भी देखने। हाँ अभी यहाँ पर आ गए तो देख ही लेते हैं। तो खैर हम गए जिस काम से थे वो देख लेते हैं, कि हमें इमीडिएट बेसिस पे टिकट्स बुक करानी है। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट अभी तो फिलहाल ये क्लोज होगा, तो वहाँ जाना पड़ेगा, वो सामने आपको प्यारी सी जो ना जगह नज़र आ रही है, वहाँ चल के जो ना हम टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं। सीट्स अवेलेबल होंगी तो फिजिकल टिकट्स पकड़ लेंगे। यार यहाँ से तो टिकट्स की मालूमात कहीं से नहीं मिल रही, हम अंदर से होके आ गए, भाई से पूछते हैं यहाँ पर टिकट की मालूमात कहाँ से मिलेंगी इस टाइम? वो सामने छोटा गेट है उधर से मालूम है, छोटा गेट वो सामने। चलो भाई बहुत शुक्रिया यार। अभी कोई ट्रेन खड़ी हुई है? अभी नहीं कब आएगी? सारियाँ गाड़ियाँ आज लेट गई, सारियाँ जो भी गाड़ी है सारी गाड़ी लेट होंगी, सारी हड़ताल की वजह से। हड़ताल की वजह से? हाँ तो भाई हड़ताल की वजह से ट्रेन टाइमिंग्स पे भी ना इम्पैक्ट आया है। तो खैर वहाँ से मालूमात मिलेंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगी, माई मिस्टेक, क्योंकि मुझे जो ना सही से मालूम नहीं था। तो गाइस अभी तक यहाँ पर ट्रेन आई नहीं है, सब वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का, तो यहाँ पर जो ना हम भी वेट करें ट्रेन देखने के लिए, क्योंकि फातिमा का बहुत दिल करे ट्रेन को देखने का। क्यों भाई ऐसा नहीं हो आप ट्रेन देखते देखते बैठ के जो ना निकल ना जाए? आप ख्याल रखिएगा ना, मैं जो ना आपका हाथ पकड़ लूँगा, ऐसा ना हो कि भाई आप बोले सिर्फ मुझे ट्रेन देखनी है और देखने के चक्कर में ना आप बैठ के निकल ना जाए, मैंने आपका हाथ पकड़ के रखा, जैसे ट्रेन आएगी ना आप हाथ पकड़ लूँगा। चलो ठीक है, वहाँ पर देखेंगे गाइस काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। वैसे आज जो है ना सारी ट्रेन लेट हुई है, तो पता नहीं अब कितना टाइम लगता है। और यहाँ से देखेंगे गाइस चांद बिल्कुल ही ऊपर नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखेंगे गाइस। तो गाइस अभी हम जो है ना चलते फिरते ऊपर ट्रेन स्टैंड पर आए हैं, तो जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कितना सुकून है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। और मैं बता क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हो? जब से मैं कराची आई हूँ ना सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है मुझे, सीधा रास्ता ही नहीं मिलता। चलो भैया ऐलान हो रहा है, चुप करो, तवज्जो फरमाने के बाद चुप ही हो गए भाई, तवज्जो फरमाने के बाद हमने तवज्जो फरमाई तो भाई जो ना चुप हो गए। ट्रेन तो आ रही है वहाँ से, लेकिन जो ना ये कहाँ के लिए आ रही है, ये वाली ट्रेन नहीं है, ये मुसाफिरी वाली ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी लग रही है यार। ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो फातिमा ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखो भाई यहाँ से, अब देखो यहाँ से व्यू है, और अब जो ना लाइट कम होगी, अब इसको जूम करेंगे ना अब लाइट तेज़ हो गई, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और गाइस ये देखें प्लेटफॉर्म पे कूली बेचारे यहाँ पर बिस्तर डाल के सो रहे हैं, को जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं बेचारे, ये देखें कुछ यहाँ पर सो रहे हैं बेचारे, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। तो गाइस अगर कभी भी कोई ट्रैवल करो बाय रेलवे तो कोशिश क्या करें कूली को यूज़ कर लिया करें, अगर ज़रूरत ना भी हो ना कूली को यूज़ कर लिया करें, ताकि इनकी भी रोज़गार बन जाए और आपका भी काम हो जाए, तो ना चाहते हुए भी कभी कभार कोई चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं। कि इनका हाल देखें, बेचारे अपने घरों से निकले हुए और यहाँ पर जो ना ज़मीन पर सो रहे हैं, ये देखें गाइस किस तरह बेचारे सो रहे हैं बिस्तर डाल के, और यहाँ पर कुछ जो ना इस पेलेस्टाइन के ऊपर सो रहे हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए, आमीन। चलती हुई ट्रेन जाओ देख लो,
ये क्या है, ट्रेन है क्या है? ये तो हाफ ट्रेन में ही है, ये इसका आगे वाला पार्ट है, इंजन है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से गाइस ये आगे इंजन आगे, और अभी ना पीछे ट्रेन इससे कनेक्ट होगी। रेलवे ये आगे जा रही है और ये उसे फॉलो कर रही है भाई, मेरे ख्याल से ये जो ना अभी दोनों जुड़ेंगे। हाँ ये देखिए गाइस, ये उसे फॉलो करते जा रही है भाई। अच्छा वो उसको आगे बुला रही है। अच्छा कोई कब से सीटियाँ बजा रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद जो है ना हमें सीटियाँ बजा के बोले कि भाई वीडियो ना बनाओ। भाई ये कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, वो भी पीछे जा रही है और ये भी पीछे जा रही है, और मैं देखने जा रहा हूँ ये किस तरह से ना इसको जोड़ेंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये पूरी नहीं हो पा रही, वो ही भाई चली गई, अब ये भी ना यहीं पर खड़ी हुई है, नहीं जुड़ेंगी भाई, ये नहीं जुड़ेंगी, ये नहीं जुड़ेंगी, इन्हें रहने दो। ट्रेन सामने से आ रही है मेरे ख्याल से, ये आगे ट्रेन वहाँ आई उस प्लेटफॉर्म पे आई। तो गाइस ट्रेन आ गई है फाइनली, और जिस प्लेटफॉर्म से हम आए ना उसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, तो अब वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। ये देखे गाइस कितने सारे लोग हैं ना मुसाफिर यहाँ पर वेट करें ट्रेन का, और ट्रेन माशाल्लाह आई है। मेरा चेहरा तो ब्लैक नहीं हो गया, मैं बिल्कुल सामने खड़ा था ऊपर की तरफ, ऐसा खतरनाक किस्म का धुआं भेगा ट्रेन ने। तो खैर गाइस अभी ट्रेन रुकती है, तो जो है ट्रेन के अंदर से विजिट करते हैं। चलो भाई ट्रेन गई है रुक, अभी सब जो है बैठने लगे ट्रेन में, और फातिमा का मैंने ना हाथ मजबूती से पकड़ लिया है ताकि ये कहीं ना बैठ जाए। तो गाइस सिग्नल सामने ग्रीन हो गए, तो मेरे ख्याल से ट्रेन जो है ना चलने वाली है। फौरन उतरना होगा, फौरन एक डब्बे से चढ़ना है, दूसरे डब्बे से उतरना है, ठीक है, भागना पड़ेगा। चलो भाई चलो लेट्स गो, डर लग रहा है, बस छोड़ो मत छोड़ो, ये हमारे पॉइंट है तो तेज ना हो जाए। मेरे ख्याल से निकलने वाली है, देखो ना ये निकलने वाली है गाइस, सामने सिग्नल ग्रीन हो गया ना, इसकी आवाज आती है ना पहले जाने से पहले, जाना है अंदर चलने। चलो भाई आ जाओ, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, यहाँ पर टिकट चेक कर रहे हैं भाई, चलो भाई चलो भाई, नहीं चल रहे, रुक जाओ रुक जाओ, सबर सबर, देखो रुकी हुई है। तो गाइस उतरने उतरने बड़ा दिल कर रहा था ट्रेन के अंदर जाने का, अब क्या हुआ नहीं जाती इतनी जल्दी, मैं सिर्फ जो ना देख रहा था कि आप क्या रिएक्ट करती है सामने ग्रीन सिग्नल, मतलब ये नहीं कि ट्रेन चल रही है, वो तो मैंने अभी बोल दिया था। हाँ एक और बस अभी नहीं, ऐसे ना मस्ती मजाक में ट्रेन बाकी चल जाएगी और हम जो ना पहुंच जाएंगे हैदराबाद, क्योंकि अब जो ना अगर स्टेशन मेरे ख्याल से हैदराबाद है। अब मेरी टांग में ना जान नहीं रही, क्यों इतना भी नहीं चली आप, बस सिर्फ हम जो ना चली डर के मारे गहरी मेरी टांगों में जान नहीं रही। कह रहे थे ना ये जो है चलने की निशानी है ना, पहले हॉर्न बजाती है जिस तरह अभी बजाए ना, अब ये ना ये चलेगी। तो बस इतनी देर में पूरी ट्रेन घूम लेते। तो गाइस ये थी आखिरी ट्रेन, और ये सामने की लाइट्स भी बंद हो गई हैं क्योंकि अभी जो ना रेलवे स्टेशन क्लोज हो जाएगा, आज की लास्ट ट्रेन जो ना ये जो अभी जा रही है यही है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं जाएगी, अब जो ना सुबह जाएंगी। तो ये चल पड़ी है ट्रेन भाई, बाय 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 बाय, जितने भी जाने वाले सबको बाय बाय, अल्लाह ताला आप सबको अपनी मंजिल तक खैर आफियत से पहुंचाए, आमीन, और हम भी घर खैर आफियत से पहुंच जाए, आमीन। अब जो ना यहाँ से पानी की बोतल ले लेते हैं, ये रेलवे स्टेशन के अंदर ही जो ना बहुत प्यारी सी दुकान बनी हुई है, और काफ़ी जन उन्होंने ज़बरदस्त सजाई हुई है खिलौनों से, यहाँ पर बच्चों के खिलौने ही खिलौने नज़र आ रहे हैं। हाँ जी जो चीज़ लेनी है आपने ले लो, क्या लेना है आपने? जली जली खाएंगे और खिलौने छिलौने चाहिए? नहीं चाहिए, बस एक क्यों ले रहे हैं, दो तीन ले लें, खाने का तो एक ही दिल कर रहे, आप खाएंगे? मैंने नहीं खाना, मेरा गला ख़राब है, मैंने सिर्फ पानी पीना है। ऐसी बीवी होनी चाहिए गाइस, जो चीज़ बोलो बोलती है, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की बोतल छोटी बड़ी बाबू? पानी की बोतल छोटी दे दें, लोकल चाहिए या कॉफीना की चाहिए? कौन सी लोकल चाहिए या कॉफीना? पाकिस्तानी ब्रांड भी है ना सर, जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे, बस प्याज बुझा दे, ठीक है। तो ये भाई ना बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं, काफ़ी जरा हंसमुख भी हैं और काफ़ी फनी भी हैं, तो मैंने इनसे कहा कि आपको वीडियो बना लें, तो इन्होंने बोला बिल्कुल बना लें,
ब्रांडेड थी यहाँ भाई जी। क्या लोकल से प्याज नहीं पूछती? ब्रांडेड लोग ब्रांडेड देते हैं। वाह वाह भाई, कह रहे भाई ब्रांड लोग ब्रांडेड देते हैं। थैंक यू सो मच यार। तो गाइज मेरा गला खराब है इसलिए मैंने गरम ले लिए। आपका नाम क्या भाई? सलीम है बाबा। सलीम भाई बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। कहाँ से? रहीमयार खान से। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले भाई अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। और एक और छोटा सा मैसेज, आज की वीडियो में दो मेरे मैसेज हैं। कल भी वीडियो में मैसेज था और आज भी वीडियो में थोड़ा सा मैसेज मेरा ये कि इंसान को ना हर किसी से, कोई भी हो, हर किसी से ना खुश मजाजी खुश इखलाकी से मिलना चाहिए। वो तो आपने सुना होगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मतलब इंसान को अगर अपनी इज्जत मतलब दूसरों से करवानी हो ना तो दूसरों को भी ना सेम लेवल से ट्रीट करें और जो ना इज्जत दें, तभी आपको जो ना इज्जत मिलेगी। तो बस ये छोटे से मैसेजेस मैं ना हर वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें गाइस वक्त के साथ साथ जहाँ मैं आप लोगों से भी सीख रहा हूँ, आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें भाई मुझे वॉच कर रहे होते हैं तो आप सब भी जो ना मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस आप सबका हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे समझाने के लिए। लव यू हो गया। चलें जी अभी निकलते हैं, अभी घर जाना है। घर जाके जाना खाना शाना खा लिया, वैसे मेडिसिन खानी है बाय बेकरी। और यहाँ से हमने सोचा घर जाते हुए मेहमानों के लिए कुछ सामान ले लेते खाने के लिए। यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है भाई। तो एक ये खीर ले लेते, लास्ट टाइम जो ना ये 200 बजे को पसंद आई थी, याद है जी, पर उन्होंने तारीफ की ना। हाँ तो भाई एक ही खीर लेते हैं, यहाँ पर बिस्किट वगैरह भी है तो ये ले लेते हैं, क्योंकि मेरी तरह जो है ना साउथ बेगी की तबीयत ख़राब है तो हल्का फुल्का ले लेते हैं। ये ले लेते हैं भाई अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला ये शौक से खाएगा। तो डोनट और हमने खीर जो पैक करवा ली और मिक्स बिस्किट ले लें आप। पहले मैंने सोचा गाइस फास्ट फूड ले लेता, फिर मुझे याद है साउथ बेगी की भी तबीयत खराब थी, क्योंकि साउथ बेगी जो ना पीठ से बीमार है तो उन्हें भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए मेरी तरफ। तो इस वजह से मेरे से जब बेकरी आए थे, बेकरी से ना हल्का फुल्का ले लेते सामान। अच्छा जी बेकरी से सामान पकड़ लिए, अभी सामने चलते हैं वहाँ से ना दूध पकड़ लेते हैं, खुला दूध। दूध से चाय बना लेंगे और रात में सोने से पहले जो ना हल्दी डाल के पी लूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे दूध में हल्दी डाल के पियो ना, काफ़ी जो ना बेनिफिशियल होता है। ठीक है चलो। ये जो ना ये मुझे हंसी रिकॉर्ड करनी थी। हम कुछ नहीं लेके, हम जो ना ये शुक्र आप लोग गए नहीं, मुझे लगा था लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ना गोली करवा दी थी। लास्ट टाइम हम बाहर गए थे, हमने कहा था हमारे, आप लोग चले गए थे यार, इतने बीमार थे। नहीं उसकी उससे पहले की बात, रमजानों की बात करो मैं। फ्रूट्स रेड एप्पल लेके ना, रेड एप्पल लेके ना ईद वाले दिन, अच्छा ईद वाला दिन था, ईद वाले दिन मैं गया रेड एप्पल निकाले मैंने वहाँ से खड़ा मार्केट से लिए मैंने, बड़े खुद अब्दुल्ला के लिए, सबकी तबीयत पीना ठीक थी। और अभी भी अब्दुल्ला ने गोली कर दी, एक बार पहले भी की थी रमजान में, हम बाहर से कुछ लाए थे, अब्दुल्ला सो गया था, रोज सुबह उठते कितना मामा, ये टाइम है उसके सोने का, ये टाइम से बल्कि पहले ही सोता है। शादी क्या करेगा अभी फिलहाल? तो आमिर मामू वकार मामू, अच्छा जाना है। और इसके आमिर के लिए बोलेगा अबू भाभी, मेहनत की आपके लिए, एक जो है स्पेशल चीज लाए, नहीं बाहर का खाना, अभी भी बाहर का। मैंने यही सोचा था, मैंने भी कंट्रोल किया, मैंने यही सोचा कि मैं फास्ट फूड ले जाऊँ, फिर मैंने बोला साउथ भाई की तबीयत जो है ना नासाज है, फिर जरा ये डोनट जो है अब्दुल्ला के लिए, लेकिन अब्दुल्ला जो ना अब्दुल्ला साहब तो ये अब्दुल्ला सबको वैसे ये ले जाएगा, ये सुबह खा लेगा, उसको डोनट दो पसंद भी है, बच्चों को पसंद होते हैं ना चॉकलेट। ये किसका आइडिया था? ये मेरा सारा क्रेडिट अपने को नहीं, सामने बेकरी में यही रखा हुआ था, मुझे देखा। चलो भाई यहाँ पर चाय बना के लिए फातिमा, उस दिन ये बेचारे हमारे साथ रात को ख्वार हुए थे हॉस्पिटल हमारे साथ। अच्छा और ये दोनों को मैंने आमिर को मना किया कि अलिश्बा को नहीं लेके आया, लेकिन ये लेकर आ गया तो इसकी मेहरबानी। हाँ, तुम इतना करते हो, मैं नहीं, आप लोग यहाँ पर जो ना अब्दुल्ला सो गए, बहुत ही क्यूट बच्चा है यार माशाल्लाह। चलो भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो ना छठा फ्लोर चढ़ के आए, ये भी एक बड़ी एफर्ट है भाई, सबसे पहले ना इसको मोहब्बत कहते हैं ना। हाँ चले पहुंचो भाई, ये उठ गया। हेलो नहीं, इसका डोनट और जूस लेके जा रहे हो ना? ये रहा भाई जूस है इसमें। हाँ जूस है, मैंने वो खीर रख ली अपनी, और जो नहीं इसका जूस भी लाया था मैं, जूस लिया जूस नहीं रखा नहीं जी, इसका जूस है। चलो भाई अल्लाह हाफिज, चलो ओके अपना ख्याल रखो, ओके तुम लोग आराम करो, सुबह छुट्टी है? मेरी छुट्टी नहीं है, जाना है, हमने भी मैंने भी जाना है, डेली का है ना, तुम लोग आ जाना ना वीकेंड पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोग आ जाना प्लान करके, सही है आमिर?
ले आना, उसको भी ले आना, फातिमा को भी ले आना, सही है? चलो डन, वो बेचारा साउथ भेजना, उसे उठा के अब नीचे उतरेगा छठे फ्लोर से। सही एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। चलिए अम्मी मैं चाह रहा हूँ सोने। हाँ। काफी टाइम हो गए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आज सारा दिन आपका रूम जो ना मैंने यूज किया, आपने मेरे रूम को ऑफिस बना दिया। हाँ। मैं तो बड़ी खुश थी कि आपने मेरे रूम को ऑफिस बनाया। आप ऑफिस नहीं गई लेकिन जो ना आपका रूम ऑफिस बन गया, ऑफिस बन गया, ऑफिस वाली फीलिंग्स आ रही होंगी आपको। हाँ, बिल्कुल। चले चले, आपका होगा क्या ऑफिस? ऑफिस, हाँ सुबह ऑफिस जाना, कल जो है सब कुछ खुला होगा। ठीक है, मुझे भी जाना है। चलो भाई बाय बाय, अम्मी से मिल लेते। Take care, Allah Hafiz. Okay, you too, Allah Hafiz. Allah Hafiz.